नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज जिले के 2 दिवसीय दौरे पर आज पटना पहुंचे। उन्होंने अपने पटना रांगा में स्थित आवासीय कार्यालय के समक्ष व्यवस्थित मंच से स्थानीय जनता और JMM कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विभिन्न बिंदुओं पर अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने जन समस्याओं को सुनते हुए उनके निराकरण हेतु उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबंधित समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थानीय आदिवासियों और दलित सहित सामान्य विधवा बुजुर्गों से बातचीत करते हुए पेंशन संबंधी जानकारी भी हासिल की और पेंशन से वंचित बुजुर्गों और विधवाओं को त्वरित योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्राधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। संबोधन के बाद मुख्यमंत्री से मिलने आए स्थानीय लोगों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए आवेदनों को स्वीकार करते हुए उन्हें संबंधित समस्याओं से जल्द निदान दिलाने का आश्वासन दिया। हम लोगों को लड़ने में ताकत ज्यादा इकट्ठा करना पड़ता है, समय लगता है। हमारे लोग ही बेचारे इतने धीरे धीरे चलते। आज इसीलिए ऐसे सड़नकारी लोगों को समझिए और पहचानिए कि आज धन बल का जो प्रचलन है, आपका जेब में पैसा नहीं है, घर द्वार में पैसा नहीं है, लेकिन आपको बेटू बनाने के लिए उस पूरा पैसा का उपयोग होता है। कहां से पैसा आता है? आज बहुत विचित्र स्थिति है देश में। महंगाई देखो, दाल चावल नमक का कितना कीमत है। जो नमक 5 रुपए में मिलता था, आज 90 रुपए में मिलता है। जो 80 रुपया 60 रुपए में सरसों तेल मिलता था, आज 200 रुपए में। 60-65 रुपया का पेट्रोल डीजल आज 100-125 रुपए चला गया। लेकिन हम लोग को भी जीना है तो खाना खरीदना है। तो कई बातें हैं साथी, अभी उन सब बातों का, दो बातों का भी हिसाब किताब हम लोग को लेना पड़ेगा और लेंगे, एक एक करके हिसाब किताब लेंगे। जात धर्म पर हम लोग नहीं बटने वाले लोग, हम लोग हक अधिकार के लिए हमारा संघर्षमय जीवन सदियों से चलते आया है और इसके लिए आगे भी हमें अभी संघर्ष करने की आवश्यकता, क्योंकि अभी भी संविधान में तो मिला लिखा है कि अधिकार है, लेकिन कहां मिलता। वी टाइम न्यूज के लिए साहिबगंज से नशरुद्दीन शेख की रिपोर्ट।